भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के निर्देशों पर इन दिनों देश भर में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और विधायक संपर्क फॉर समर्थन कार्यक्रम को गति देते हुए नजर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इलाके के उन ख्याति प्राप्त लोगों के घरों में जाने के निर्देश दिए हैं जो किसी न किसी रूप से समाज के उत्थान के लिए काम करते रहते हों। मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते नजर आए। शाम के समय वो जहां भी होते हैं वहां इलाके के ख्याति प्राप्त लोगों के घरों में व्यक्तिगत रूप से जाकर केंद्र की उपलब्धियों का बखान करते हैं। इसी कड़ी में बीती शाम रतन सिंह सराफ के घर पहुंचे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बातचीत की। साथ ही रामस्वरूप शर्मा ने उनसे आगामी लोकसभा चुनावों के लिए समर्थन भी मांगा। सांसद ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशों पर शुरू हुआ यह कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टी को लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत उन्हें लोगों में भाजपा के प्रति भारी उत्साह नजर आ रहा है। ये हमारी पार्टी की योजना है कि जो हमने काम किए हैं अपने कार्यकर्ता, अपने नेता, जनता से मिलने का क्रम सतत जारी रहे। हम जिन योजनाओं को लेकर, उन योजनाओं के अलावा आम जनता को मिले और एक बार वो योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचनी भी चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से एक उत्साह देखने को मिला। तो मैं ये कहूं कि ये जो कार्यक्रम केंद्र का चला है इसका बहुत ज्यादा फायदा पार्टी को भी हो रहा है और आम जनता को भी हो रहा है। बहुत ऐसी स्कीमें जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, आज उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा वो समाज के आगे पहुंच रही। वहीं रतन सिंह सराफ ने सांसद रामस्वरूप शर्मा के घर आने पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सांसद ने उन्हें 4 सालों के कार्य की जानकारी दी और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बताया। रतन सिंह सराफ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बेहतर काम कर रही है और उन्होंने भविष्य में भी सरकार को अपना समर्थन देने की बात कही। उन्होंने जो भी उपलब्धियां थी केंद्र सरकार की उसके बारे में उन्होंने बताया और हमें सारा पूरे डिटेल में बताया भी क्या क्या है, क्या क्या उन्होंने कराया स्वच्छ भारत की और जो प्रधानमंत्री की योजना है या और कोई योजना है, लेडीज की है, गर्भवती लेडीज की है, गैस के बारे में और स्वच्छ भारत के बारे में सारे हर तरह के उन्होंने हमारे को मार्गदर्शन बताया। सारा जो भी किया उन्होंने, आगे भी अच्छा, पहले भी अच्छा काम कर रहे थे प्रधानमंत्री और आगे भी अच्छा ही करेंगे, हम उनके साथ हैं, शुरू से भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, मंडी।